विश्वास ना करे, कोई आपत्तिजनक वीडियो संदेश प्रसारित ना करे। यदि कोई अवैध गतिविधि होती पाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। पुलिस बल कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है और जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस दल के साथ उचित सहयोग करें। विशेष की उपस्थिति में कोई भी अवैध रूप से एकत्रित नहीं होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहार उत्सव के दौरान सभी को सामाजिक संदर्भ बनाए रखना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। माननीय सीपी सर के आदेश से और माननीय उपायुक्त 5 कदम सर के और एसीपी तीर्थगढ़ सर के मार्गदर्शन के तहत यशोधरा नगर पुलिस थाने से जो अभी 2 दिन पहले से दुर्गा उत्सव शुरू हो गया है और घटक स्थापना हो गए है और आने वाले इलेक्शन के तहत एक पुलिस थाने के परिसर में रूट मार्च का नियोजन किया गया है। उसमें हमने शुरुआत की थी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके गरीब नवाज नगर, बंदे गरीब नवाज नगर और यशोधरा, टिपू सुल्तान चौक, विनो भावे नगर, ऐसा पूरे पुलिस थाने का एरिया में रूट मार्च किया गया। उसमें हमने लोगों को ये अपील की है कि समाज में शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसा कोई घटना नहीं करेगा या गतिविधि नहीं करेगा कि जिससे समाज में वातावरण खराब हो जाए। और दूसरा, इलेक्शन के तहत से हम ये कर रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना हो या कोई भी संभावित अप्रिय घटना हो तो तुरंत 112 पे या हमें पुलिस थाने में उसका इत्तला कर दे। ऐसा रूट मार्च हमें पूरा यशोधरा नगर पुलिस थाने से निकाल लिया है। सुबह 10:30 बजे से रूट मार्च चालू हो गया था, अभी 12:30 बजे खत्म हो रहा। और जो अभी हमने कई बार देखा है कि बिना वजह लोग रात को घूमते हैं या कहीं पे चौक में या कहाँ गार्डन में क्या है ओपन प्लेस में जो है वहाँ घूमते हैं। वहाँ पे हमने अभी पेट्रोलिंग पहले से ही शुरू की है और उससे भी और लोग बढ़ाए हैं रात को, तो अभी कंट्रोल में थोड़ा आ रहा है।